हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ वंदना शंकी, होस्ट राखी करी। दोस्तों गाइस, आज मैं आई हूँ छत पे और शाम के 7 बज रहे हैं। साथ में चाय भी लेके आई हूँ, आपको दिखा देती हूँ मैं। और ये हमारे प्लांट्स हैं, आप देख सकते हैं। छत पे आई हूँ आज, काफ़ी कई महीनों के बाद में आज छत पर आई हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और फिर जानते हैं, क्योंकि कई दिनों से मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी। कभी कभी थोड़ा खुली हवा में भी रहना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि एक ही रूम में ऐसे की हवा में रहने से आदमी जल्दी से बीमार पड़ जाते हैं। और आपको छत का टूर करा लेती हूँ, छत पर क्या क्या सामान पड़ा है, बड़ा ये वो बनाना चलिए दिखा रहे थे आपको। यहाँ पे सभी तरह के लोग रहते हैं। यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि ये तो चुन्नी वगैरह ससुराल में चीज़ें ना ऐसे ही हो जाती है। तो आइए आपको दिखाती हूँ, मुझे इसके लिए बैक कैमरा ओपन करना हो। ये देखिए, यहाँ एक छोटी सी वॉशरूम जिसे बोल सकते हैं, रात को गर्मियों में यूज करने के लिए। और यहाँ पे हम अपनी सब्जी वगैरह उगा लेते हैं। और ये मैंने एलोवेरा बोया है, ये मैं घर से लाई थी। और ये देखिए, इसमें छोटे छोटे से, ये देखिए छोटे छोटे से बच्चे हो रहे हैं। बच्चे बोलते हैं इसको, छोटे छोटे मिनी प्लांट जिसे बोलते हैं। ये देखिए छोटे छोटे से मिनी, इसमें इसके स्मॉल स्मॉल से प्लांट्स आ चुके हैं। और ये बहुत अच्छा एलोवेरा हो गया। एलोवेरा तो काफ़ी ज़्यादा आपको पता होगा, क्योंकि ये प्लांट है, ये बैंगन का है, गेंदे का, ये पेड़ में फाड़ के फैल गया था, टमाटर में फैल तो पानी भर गया था इसका। और ये देख सकते हैं आप, ये पाइप बना है इसका वाटरिंग करने के लिए। ये देखिए गाइस, ये है कूलर, ये पानी में इसमें भर के रखती है पंछियों के लिए। और ये व्यू है, छत से दूर तक का व्यू है। और ये देखिए सीमेंट के रखा हुआ फट गया, तो ला गर्मियों में कभी कभार इसे यूज कर लेते हैं। ये पुराने वाटर टैंक है जिसे टूट चुके हैं, तो यूजिंग करते हैं। हमने छोटी मोटी लकड़ियाँ घर पे रखी है, चूल्हे वगैरह में इस्तेमाल की जाती है। ये टूटी फूटी चेयर पड़ी है जो अभी टूट गई थी। ये जस्ट चेयर्स है छोटी, डबल में है जो ट्राइंगल शेप में खुल जाती है। और ये देखिए यहाँ पे कबूतर पालते हैं, जेठ लगते हैं मेरे राजू भाई का, इसमें उन्होंने बहुत सारे कबूतर पाल के रखते हैं, वाइट भी और जो नॉर्मल कलर होता है ग्रे कलर के। और ये बैठा है, इसका नाम है आंसू। 12th एग्ज़ाम तो इनके ऐसे क्लियर हो चुके हैं। बस ये छोटी सी हमारी छत का व्यू है, छोटा सा घर है। और यहाँ पे मैं अभी खड़ी थी और अपनी चाय दिखा रही थी सबसे पहले तो आपको। ये देखिए, ये मेरी चायें रखी है ठंडी होने के लिए। और कुर्सी पे तो पड़ा पानी, तो मैं ऐसे ही इधर उधर घूमते फिरते पी लूँगी। अब दिखाती हूँ थोड़ा सा व्यू। ये देखो भाई, ये भगवान करते रहते हैं। और किराएदारों का मकान है, सभी ने बाहर से प्लास्टर नहीं किया हुआ अपने मकानों के अंदर, सब ने महल बना के रखे हैं। अब दिखा देती हूँ आपको एक साइड का व्यू। ये देखो, ये सामने जो है लोहे की जाली लगी हुई है ना गेट में, ये भी किराएदारों का मकान है। ये 3-4 फ्लोर पर बना है, सब किराए के हैं। ये जो इधर ये पजामा सूट रहा है, ये वाला अभी हमारे फैमिली में जेठानी का घर। और ये वाला घर जो है, ये वाला घर नीचे दिखाई दे रहा है जिसको वाटर टैंक लगकर रखा है। ये घर भी हमारी जटानी का है, वो मेरी वो जहाँ प्लांट्स लगे हुए वाला घर मेरी चची और सास का, जब वहाँ रहते वो चले गए कहीं और पे, यहाँ से दूर रहता थी। यहाँ पे सब तो आज से 15-20 साल पहले। ये जो इसके उस साइड में वो रेड कलर की बिल्डिंग दिख रही है, तो होटल के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे रोड है मेन,
सो गाइस, मैंने आपको आज अपने छत का व्यू कराया और आप लोगों को लग रहा है इतनी आराम से बोल रहे हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे वॉच करते हैं कि पता नहीं क्या कर रही है, क्या बना रही है, क्यों वीडियो शूट कर रही है। और देख सकते हो मतलब सो के उठी थी बस, चाय थोड़ा सा मूड होया और चाय बनाई और बस सीधे देखो मौसम अच्छा है, चलो आज छत पे चलते हैं और छत पे आ गई चाय वगैरह बना के। है ना, छत का व्यू बढ़िया मज़ा आ रहा है। यहाँ पे वो ठंडी ठंडी हवा चल रही है। बस ये जो बैठ है इन लोगों को खुद देखना चाहिए, आज यदि कोई घूंघट पर्दा भी चाहिए घूंघट पर्दे वाले से मुसल के बढ़ जाए यदि कराना है तो आप लोगों को क्या लगता है नीचे मैं सकती हूँ दिख करके बता देना। और अब मैं अपनी पी लेती हूँ चाय। सारे उल्लू के पट्टे ऐसे देख रहे हैं, पता नहीं मैंने क्या इनकी भैंस चुरा ली। मैं पीने वाली हूँ चाय। ये देखो मेरी चाय है ना, मस्त लौंग इलायची बस वगैरह डाल के बनाई है, एकदम मस्त सी चाय है। आप लोगों को पीनी है, आप लोग ज़्यादा आइए लो। पता है यार बहुत सारी चीज़ें हमें करनी पड़ती हैं, कुछ चीज़ें हम करना चाहते हैं फिर भी नहीं कर पाते, लेकिन बताऊँ इस चीज़ में रहते हैं चार लोग क्या बोलेंगे, चार लोग क्या बोलेंगे, चार लोग कुछ नहीं बोलते यार, चार लोग बस एक ही बात बोलते हैं वो भी एंड में से वाली मर जाता है ना, राम नाम सत्य से। चार लोगों की मत सुनो, अपने दिल की सुनो, जो आपका मन करता है वो करो, जो आपका मन करता है उसी चीज़ की सुनो, क्योंकि दिल की सुनोगे तो हमेशा लाइफ में कभी हार नहीं मानोगे और कभी हारोगे भी नहीं, सफल नहीं होने वाले। तो अपने मन की आवाज़ को सुनो कि इसमें क्या करना है, हमारा किस चीज़ में टैलेंट है। आई होप आप सभी को मेरी बातें समझ में आ रही होगी, यदि समझ में आ रही है थोड़ी बहुत भी अच्छा लगोगे ना मेरे व्लॉग तो लाइक कर देना। और बस आज के लिए इतना ही, और मेरे हाथ में ट्राइपॉड भी नहीं है तो वीडियो थोड़ी शेक हो रही है, इसलिए माइंड मत करना। और डेली के ऐसे ही व्लॉग्स मस्त मस्त देखने के लिए चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, और साथ में जो बैल का घंटा है ना उसे भी दबा लेना। उससे क्या होगा कि जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करोगे ना तो आप लोगों के पास पहुँच जाएगी सबसे पहले। और चलिए अभी अब चाय ख़त्म करूँगी और मैं बनाऊँगी आज कढ़ी चावल। चावल तो नहीं बनाने वाली, कढ़ी के साथ में रोटी, क्योंकि आज ठंडा सा मौसम है, बच्चों को नुकसान दे सकती है। और आ जाओ आप सभी घूमने के लिए, चाय पीने के लिए। वेलकम ऑल माय यूट्यूब फैमिली। और चलो चाय ख़त्म हुई है मेरी, मेरे छत का ये टूर आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा प्लीज़। बड़ा मोटिवेशन मिलता है कि हम लोगों को देख रहे हैं और वीडियोज़ को लाइक कर रहे हैं, या स्मॉल यूट्यूबर्स होते हैं ना। मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं गरीब हूँ, मुझे सपोर्ट करो। आप लोगों को लगता है मेरे ब्लॉग्स में भी आपको थोड़ा बहुत ही मज़ा आता है, अच्छा लगता है, मेरे साथ है ना, मैं डेली लाइफ आपके साथ शेयर करूँगी, उसे देखना पसंद है तो मन है आपका। यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक कर लेना, मन करे तो सब्सक्राइब कर लेना, कोई भी प्रेशर वाली बात नहीं है कि सब्सक्राइब करो लाइक करो, जो भी आपका मन करे वो करो ठीक है। लेकिन यार जुड़े रहना, जाना मत कहीं पर भी ठीक है। और लव यू ऑल, बाय बाय। आज के लिए बस इतना ही, मिलती है एक न्यू और नेक्स्ट वीडियो मुझे बताते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो क्वालिटी या पीछे बैकग्राउंड नॉइज़ के लिए बहुत आपको दिल से सॉरी बोलती हूँ। और आई होप आप सभी को मज़ा आया होगा, छोटा सा एक सिंपल सा व्लॉग बनाया, मुझको ज़्यादा एडिटिंग वगैरह तो आती नहीं है ठीक है। बाय बाय, सब लोग एंड सी इन द नेक्स्ट व्लॉग। हैव अ नाइस डे, हैव अ स्वीट डे एंड स्वीट नाइट टू यू। लव यू गाइस, लव यू ऑल।